अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज जो है मैं किचन की कर रही हूँ डीप क्लीनिंग, और अभी मैं ग्रॉसरी वगैरह सब करके लेकर आई थी, तो मैंने फ़िलहाल ऐसी सब कुछ डम कर दिया था। तो मैं अब इनको ज़रा सा मैनेज करूँगी, तरीके से रखूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि कल मेरे पास गेस्ट वगैरह काफ़ी आए हुए थे, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं इनको सही तरह रखूँ। तो अब ये है कि मैं इनको पूरा सही तरीके से रखूँगी और किचन की होगी मेरी डीप क्लीनिंग, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। ये एक कैबिनेट जो है मैंने साफ कर लिया है और ये पूरा अरेंज हो गया है। इधर से मैं जो हूँ मेडिसिन वगैरह इधर रखी हुई है, देखूँगी जो एक्सपायरी है वो निकाल दूँगी और इसको जो है मैं ज़रा सा अरेंज कर लूँ। इधर हमारी चाय की पत्ती है, चीनी है और एवरीडे है, और ये मेरा गोन कतीरा वगैरह जो मैं लेकर आई थी वो रखा हुआ है। सारी चीज़ें इधर रखी हैं, तो इनको मैं अब अरेंज करती हूँ। दरवाजे सारी मैंने साफ़ करी और फिर उसके बाद मैंने सारे चमचे काटे सब निकाल के मैंने बाहर रख लिए थे आराम से। मैंने कहा फिर मैं इनको सब साफ़ करूँ और फिर पूरी प्रॉपर तरीके से सफाई करी, प्लास्टिक वगैरह निकाल के सारे चमचे कांटे जो भी मुझे जगह पर रखने थे वो मैंने रखे। और बड़ा आपको खुद अच्छा लगता है जब एक डीप क्लीनिंग किचन की होती है और आप अच्छी तरह हर चीज़ प्रॉपर तरीके से साफ़ करते होंगे तो ख़ुद भी अच्छा लगता हैगा। बाकी ये मैंने मेरे पास ज़ाहिर है वो सेपरेटर नहीं हैगा जिसमें मैं छुरियाँ कांटे सब चीज़ें अलग रखूं, तो मैंने यहाँ पर ये डब्बे रख लिए थे, इसके अंदर मैंने ये छोटे चमचे और ये कांटे वगैरह सब रख दिए थे। छुरियाँ अलग मैंने डब्बे में रख दी थी, तो बस इस तरह मैंने उनको अपनी सहूलत के हिसाब से मैंने अरेंज कर लिया था कि मुझे जिस तरह जो मुझे सहूलत है मैं उसको उस तरह रख लूँ। लेकिन हाँ यही है कि सफाई तो वैसे मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किचन छोड़ के बैठ जाऊँ, लेकिन एक डीप क्लीनिंग होती हैगी तो डीप क्लीनिंग करके बड़ा अच्छा लगता है और आपको खुद लगता है कि हाँ आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो ये मेरा काम जो है किचन का डीप क्लीनिंग का ये चल रहा था, इसमें बस थोड़े थोड़े अपनी सहूलत के हिसाब से, चाहे मुझे दो दिन लगे लेकिन मैं ऐसा ऐसा करके करती हूँ, ये ना हो कि मुझ पर इतना बर्डन पड़े और मैं ही बिस्तर पे लग जाऊँ। तो बस अपनी सहूलत के हिसाब से मैं ऐसा ऐसा ये काम करती रहती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि काम अल्हम्दुलिल्लाह सब हो जाता हैगा। नीचे की भी सारी दराजे वगैरह में से मैंने ये डिस्पोजेबल चीज़ें निकाली, ये डिस्पोजेबल डब्बे भी बड़े काम आते हैं, अगर आपको कहीं किसी को कुछ देना है, कोई चीज़ रखनी है तो ये चीज़ें उसमें इस्तेमाल हो जाती हैं। बस ये सारी चीज़ें निकाल के इसकी भी सफाई मैंने करी, मग वगैरह जो है ये भी सारे मैंने निकाले और इनकी भी प्लास्टिक निकाल के सब साफ़ करके दराजे से सब साफ करी। और बस वो ये है कि मुझे बहुत सुकून मिल जाता है एकदम से सब साफ़ हो जाए तो। और सबके यहाँ पर मगे जो है ना, कोई बड़े में पीता है, कोई छोटे में पीता है, तो इस तरह मग जो है वो रखे हुए। मैं वैसे मुझे बड़े मगे में चाय पीना बहुत अच्छा लगता हैगा, तो ये सब साफ़ कर करा के ये फिर मैंने मग अंदर दराज में रख दिए थे। सबसे नीचे वाला जो मेरा कैबिनेट है इस पर मेरे रोटी के कपड़े हैं, कुछ नए रखे हुए हैं, कुछ यूज़ के हैं, तो इनको मैंने अरेंज करके रखा। और ये कुछ बड़े मेरे दस्तखान हैं, जैसे कोई लोग आ जाए ज़्यादा तो फिर हम फर्श पे बैठ के भी करते हैं खाना पीना, कोई उसमें ऐसा बुरा नहीं लगता हैगा, अच्छा लगता हैगा सब साथ इकट्ठे फर्श पे बैठे हुए और मिलके सब साथ खाना खा रहे हैं। बस ये भी काम चल रहा था, साथ में मेरे और भी काम चल रहे थे। फिर मैं ये बाहर वाला जो मेन डोर है इसको मैं वार्निश कर रही थी, बहुत दिन हो गए थे तो वार्निश मैंने नहीं किया था। वार्निश करने के बाद ज़रा आपकी लकड़ी और अच्छी और शाइन करने लग जाती है। तो इस तरह ये जनाब मेरा सारा दिन इसी तरह काम में गुजर जाता है, करना चाहे काम तो काम है, नहीं करना चाहे तो कोई काम नहीं है। तो बस घर की सफाई सुथराई में टाइम अच्छा निकल जाता हैगा। तो बताइएगा ज़रूर आपको ये मेरा कैसा लगा व्लॉग, और पसंद आए तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।